Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 23rd of October 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, consider the following statements about sessions of parliament. First statement is, three sessions of the parliament, budget, monsoon and winter are mentioned in the constitution. Second statement is, speaker of the Lok Sabha summons parliament from time to time. Which of the above statements is oblique are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, या फिर D, none of the above. Second question is, consider the following statements about social audit. First statement है, MNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was the first law to mandate social audit as a statutory requirement. Second statement is, in 2017, Meghalaya became the first state to pass and roll out a social audit law to cover all departments. Which of the above statements is oblique are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, या फिर D, none of the above. Third question is, Operation Meghdoot is associated with A, Siachen, B, Manipur, C, Nagaland, या फिर D, Arunachal Pradesh. तो आप लोग इन तीनों questions के answer करेगा comment section में. एंड जिनको भी आंसर्स ना आते हों वो वीडियो के एंड पर जाएं, वहां पर उसका आंसर जो है वो आपको दिया हुआ है. इसके अलावा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जा चुकी है. एंड दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, या फिर जिन लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, आपको लगता है कि ये मटेरियल अच्छा है, आप इसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं. एंड देयर ऑल द मटेरियल, ऑल द न्यूज दैट वी डिस्कस्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर इज गिवन ओवर देयर. ठीक है, अब अपना न्यूज डिस्कशन शुरू करते हैं. आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू पी चिदंबरम, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल टू पी चिदंबरम. तो इनको बेल जो है वो दे दी गई है. एंड इसके अलावा लेकिन अभी वो बाहर नहीं आएंगे क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनको जो है वो अपनी कस्टडी में ले रखा है. ठीक है, और इस यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखा जा रहा था सोलिसिटर जनरल द्वारा, तो उनका कहना था कि बाकी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की तरह पी चिदंबरम भी भाग सकते हैं. तो जजेस का कहना यह था कि मतलब एक ही केस को, मतलब ये जनरलाइजेशन ऐसा नहीं किया जा सकता. ठीक है, अब ये बेल हो या जेल हो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बेल मतलब होता है आपको जमानत मिलना. ठीक है, कुछ लोगों ने पूछा था कि बेल का क्या मतलब होता है, तो यहां पर बेल या जेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए यहां पर दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, दो बॉडीज हैं जो यूपीएससी में पूछी जा सकती हैं. सबसे पहले है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड दूसरा है सोलिसिटर जनरल. तो हम लोग इन दोनों के बारे में देख लेते हैं. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है? इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी संस्था है ये. मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बुला करके इकट्ठा किए जाते हैं. एंड इसका जो बेसिक काम है वो दो एक्ट्स को एनफोर्स करने का है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. ठीक है, तो ये दो एक्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एनफोर्स करता है. ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो है वो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है क्योंकि जीएस 3 में आपके एक टॉपिक मेंशनड है बेसिक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? जो आपने इलीगल सोर्सेस से कमाई की है अगर आप उसको लीगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं देन दैट प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर इलीगल मनी अर्नड थ्रू करप्शन और थ्रू अदर इलीगल मींस इनटू लीगल फॉर्म. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो मेजर बॉडी है इंडिया में वो कौन सी है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. इसको 1956 में बनाया गया था एज एन एनफोर्समेंट यूनिट. इसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? सो इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड अगर यूपीएससी और ज्यादा मजा लेना चाहता है तो डिपार्टमेंट पूछ सकता है. तो हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ईडी का कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. एंड अभी इसके चेयरमैन कौन है? संजय कुमार मिश्रा. ये वन डे टाइप एग्जाम्स वाले लोग ध्यान रख सकते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड थिंग, सेकेंड पर्सन विच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस न्यूज इज सोलिसिटर जनरल. तो सोलिसिटर जनरल के बारे में हम लोग देख लेते हैं. ये कौन होते हैं? ही इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. सेकेंड लॉ ऑफिसर है. एंड फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल. आज हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज में अटॉर्नी जनरल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड मेन काम जो होता है सोलिसिटर जनरल का वो क्या होता है? अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना. ये जो सोलिसिटर जनरल का पोस्ट है ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से कि इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज हैज अ स्टेटरी
स्टेटस, अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेटरी स्टेटस है इसका मतलब ये किसी पार्लियामेंट के किसी एक्ट के कारण एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है सॉलिसिटर जनरल को, सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, रिकमेंड कौन करता है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है कि आप लोग बताइएगा कि अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट में कौन कौन मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, कौन कौन इसके पार्ट हैं। अब इनका टेन्यूअर कितना होता है सॉलिसिटर जनरल का, 3 years, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमूमन हम लोगों को आदत होती है 5 साल के टेन्यूअर की, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग सॉलिसिटर जनरल का टेन्यूअर कितना है, 3 साल। तो ये हो गई इस न्यूज से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सॉलिसिटर जनरल। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी डिबेट, ठीक है। अब ये जो है वो आपके GS3 से रिलेट करता है, एंड यहां पर सोशल मीडिया में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, दे गिव यू इंक्रिप्शन चैट। अब वहां पर उसकी बात हो रही है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक जो उनके यहां एप्लीकेशन फाइल की है कि व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं उसको एक्सेस करने दिया जाए, ठीक है। अब व्हाट्सएप का कहना यह है कि हमारा इंक्रिप्शन जो है वो इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल प्राइवेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए लोगों के अंदर से ये डर हटता है कि गवर्नमेंट हमको मॉनिटर नहीं कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट का यह कहना है कि सोशल मीडिया को आप मतलब प्राइवेसी के नाम पे टेररिज्म को नहीं बढ़ाने दिया जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करते हैं एंड उसके जरिए टेररिज्म, हेट न्यूज, फेक न्यूज, र्यूमर मॉन्गरिंग, ये सब होता है, तो उसको रेगुलेट करने की बात जो है वो चल रही है। अब इस मामले में हियरिंग जो है वो जनवरी में होगी, एंड 15th of January 2020 को गवर्नमेंट ने बोला है कि आईटी इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा वो चीजें तब क्लैरिफाई की जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है किस हिसाब से, GS3 के हिसाब से, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी डिबेट। ये डिबेट हमेशा ही मतलब होती रहेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो वहां पे बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मेंशनड है अटॉर्नी जनरल का, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आर्टिकल 76 में मेंशनड है, पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज मेंशनड इन द आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको अपॉइंट कौन करता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज के जो क्वालिफिकेशन है वही अटॉर्नी जनरल की भी क्वालिफिकेशन है। तो कुल मिलाकर के क्या क्वालिफिकेशन हुई, फिर ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years और एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 years और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 years, या कि वो हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 सालों तक, या फिर किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हो 10 सालों तक, या फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की नजर में एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। अब अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टेन्यूअर नहीं है, जैसा मैंने आपको सॉलिसिटर जनरल में बताया कि उनका टेन्यूअर जो है वो 3 years का है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का टेन्यूअर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऐसे ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी यहीं पर फंसाता है, ठीक है, कि अटॉर्नी जनरल का टेन्यूअर जो है वो 5 साल का है, गलत, अटॉर्नी जनरल का कोई भी फिक्स टेन्यूअर नहीं है। एंड इनके रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जब तक अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसने अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया है तब तक वो कंटिन्यू करते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल को अपना रिजिग्नेशन देना हो, जैसे कि इनके पहले के वेणुगोपाल अभी अटॉर्नी जनरल है, उनके पहले जो मुकुल रोहतगी थे उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया, तो वो किसको रिजिग्नेशन लेटर देंगे, अपना प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग, अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी लीगल मैटर्स में एडवाइस करने का काम होता है वो कौन करता है, अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा इनका काम होता है टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कंसर्न, ठीक है। इसके अलावा इनका काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस आता है तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट रखना। इसके अलावा जब भी मतलब आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट अगर कोई मैटर रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो वहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू रखने के लिए कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। एंड इसके अलावा हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो वहां पर भी अटॉर्नी जनरल जाकर के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन ऑल कोर्ट्स, ये ध्यान रखिएगा, एंड ही हैज द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट, एट द सेम टाइम ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ वोट नहीं कर सकते। रिमेंबर वन थिंग अबाउट अटॉर्नी जनरल,
कि ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इनको सारी वो सब प्रिविलेजेस सुविधाएं मिली हुई हैं एंड सुरक्षा मिली हुई है जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलते हैं, एक्सेप्ट ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट. ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन है अटॉर्नी जनरल के ऊपर कि फॉर डिफेंडिंग क्रिमिनल केसेस ही नीड्स द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अगर क्रिमिनल केस में अटॉर्नी जनरल को किसी को डिफेंड करना है तब फिर उसको उनको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड इसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक ये है कि क्रिमिनल केसेस में, ज्यादातर क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट ही पार्टी होती है, जो अपोजिट पार्टी होती है वो पुलिस होगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा. तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही लॉयर हैं, उन्हीं के खिलाफ अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है. तो इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर हमारी जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट. एंड इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 3-0 से हरा दिया है. ये जो अभी सीरीज चल रही थी इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज, ये जो है वो फ्रीडम सीरीज के नाम से थी. एंड फाइनली इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज थे रोहित शर्मा. ठीक है, तो ये वनडे टाइप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. मैन ऑफ द सीरीज ध्यान रखिएगा कौन थे, रोहित शर्मा. इंडिया ने 3-0 से हराया है साउथ अफ्रीका को. एंड फ्रीडम सीरीज जो है वो किसके बीच में खेली गई थी, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज फ्रॉम कनाडा. एंड कनाडा में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जो अभी उनके रिजल्ट आए हैं उसमें जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी पार्टी को मतलब वो मेजॉरिटी नहीं मिला, बट इट हैज इमर्ज्ड एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. एंड जस्टिन ट्रूडो जो है वो अभी भी कनाडा के प्रधानमंत्री रहेंगे. ही हैज वन 157 आउट ऑफ 338 सीट्स. अब यहां पर जो इस कैनेडियन पॉलिटिक्स में एक किंग मेकर के तौर पे सामने आए हैं वो है एक मतलब इंडियन ओरिजिन के जगमीत सिंह. ठीक है, तो अब ये चीज हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अभी भी कौन रहने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. एंड अभी इसके मतलब इस केस यहां पर जो सिक्किम के सीएम है उनको उनके उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने कम कर दिया था उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में. ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं. अभी जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, उनको पहले इलेक्शन कमीशन ने 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया था. अब 6 साल के लिए क्यों डिस्क्वालीफाई किया था, क्योंकि 1998 में उनके खिलाफ एक करप्शन का चार्ज लगा था, ग्राफ्ट मतलब ब्राइब के केस लगा था, उसके बाद कोर्ट ने उनको सजा दी थी. एंड इट वाज सेड कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में या आप करप्शन के लिए अगर आपको पनिश किया जाता है तब इस इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 साल के लिए आपको बैन कर सकता है. तो वो बैन लगाया गया था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, यूजिंग सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इस टाइम पीरियड को 6 ईयर से घटा करके 13 मंथ्स कर दिया. ठीक है, अब 13 मंथ्स करने के पीछे लॉजिक इलेक्शन कमीशन का ये था क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 मतलब जो बाद में लागू किया गया 2002 के अमेंडमेंट्स के बाद, कि अगर किसी को करप्शन के मामले में सजा होती है तो उसको 6 साल तक के लिए बैन किया जाएगा. ये जब सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को सजा हुई तब ये प्रोविजन नहीं था. ठीक है, बेसिकली आप मतलब अभी आज मान लीजिए कोई अमेंडमेंट होता है उसको पीछे ले जाकर के नहीं लगा सकते. ये लॉजिक जो है वो यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनका डिस्क्वालिफिकेशन 6 साल से घटा करके 13 महीने कर दिया. ठीक है, अब इसी चीज को चैलेंज किया गया है कि ये जो पावर है इलेक्शन कमीशन के पास ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर है. तो ये यहां पर हो गए पूरी की पूरी कहानी. अब यहां पर एक टर्म मेंशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये आपके GS2 में भी मेंशन है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या क्या पॉइंट्स हैं या किन किन चीजों से डील किया गया है वो ध्यान रखिएगा, वो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. सबसे पहली चीज इसमें डील की गई है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. दूसरा है नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस. थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन. फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. फिफ्थ वन इज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन. फिर सिक्स्थ वन इज फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. सेवेंथ इज डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन. एंड एट्थ वन इज करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस. इन सारी चीजों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डील किया गया है. कौन कौन सी चीजें कि मेंबर्स जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगा या क्या किस बेसिस पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. इसके अलावा जनरल इलेक्शंस का जो नोटिफिकेशन है वो कब इशू होगा एंड क्या प्रोसेस होगा.
एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कौन सी यूज की जाएगी जनरल इलेक्शन में, पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहीं पर डील किया गया है, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे वो भी आरपीए 1951 में डील किया गया है, डिस्प्यूट्स अगर उठते हैं इलेक्शन से रिलेटेड तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एंड करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, इसके लिए रिलेटेड भी जो प्रोविजंस हैं वो किसमें दे रखे हैं, आरपीए ऑफ 1951। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपसे अगर क्रिटिसाइज कराया जाए कि क्रिटिकली एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो आप उसको तभी क्रिटिसाइज कर सकते हैं या उसका एनालिसिस दे सकते हैं जब आपको उसकी मेजर फीचर्स पता हो। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रिजंस इन दिल्ली। तो इस न्यूज में इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि दिल्ली में जो प्रिजंस हैं वहां पर उनकी जितनी कैपेसिटी है उससे 151% दे आर ओवर, मतलब वहां पर ज्यादा प्रिजनर्स को रखा गया है, ज्यादा कैदियों को रखा गया है, एंड एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग स्टाफ है वो उसमें 50% की वैकेंसी है। ये चीज कहां से पता चली है, अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जिसको कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिलीज किया है, तो वहां पर इस एक चीज को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अब ये न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला पुलिस, दूसरा है प्रोसिक्यूशन, तीसरी है जुडिशरी, एंड चौथे हैं प्रिजंस। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी एंड प्रिजंस। तो एनसीआरबी में जो है वो प्रिजन से रिलेटेड रिपोर्ट है, इसी चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो अभी गवर्नमेंट बात कर रही है क्रिमिनल जो जस्ट इंडियन पेनल कोड है 1860 का, एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की जो है वो बहुत लंबे समय से बात चल रही है। तो अगर आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो आप इन चारों एरियाज में पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी एंड प्रिजन के केस में रिफॉर्म करने की बात करेंगे। एंड यहां से जो न्यूज है वहां से आप इस फैक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि दिल्ली प्रिजंस हैड 151% कैपेसिटी एंड दे आर ऑपरेटिंग विद 50% स्टाफ। तो ये एक प्रॉब्लम है जेल्स की जिसको सही करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा आप प्रिजंस की और भी प्रॉब्लम हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि वैकेंट स्टाफ, स्टाफ पूरा नहीं है, दूसरा है ओवरक्राउडेड प्रिजंस, बहुत ज्यादा इनमेट्स हैं एंड वो फैसिलिटीज नहीं है, इसके अलावा तीसरा है लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनके केसेस में अभी तक उनको सजा नहीं सुनाई गई है लेकिन उनका केस जुडिशरी में बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, उसके बाद भी उनको जेल में रखा गया है, तो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रिजंस की तीन प्रॉब्लम हम लोग ध्यान रखेंगे, वैकेंट स्टाफ, ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रिजंस, एंड थर्ड वन इज लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दिया गया है उसका विरोध करना है, एंड उसके विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी का बंद बुलाया गया है कि दे हैव कॉल्ड फॉर शट डाउन। अब इनके विरोध करने का जो मेन कारण है वो क्या है, सबसे पहला है दे से कि इसके कारण इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, इट विल लीड टू इंक्रीज्ड प्राइवेटाइजेशन। दूसरा विरोध है कि इट विल लीड टू इंक्रीज्ड फीस, फीस बढ़ाई जाएगी। क्यों बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जब आप बनाए जाएंगे तो वहां पर फोकस होगा वर्ल्ड क्लास लैब्स, वर्ल्ड क्लास रिसर्च लेबोरेटरीज, एंड गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से फंड करने के लिए तैयार नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। अपने रिसोर्सेज कहां से क्रिएट करेंगे, बच्चों से फीस बढ़ा करके। तो ये एक विरोध है। इसके अलावा ये जो टीचर एसोसिएशन है उनका ये भी कहना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग के लिए पैसा चाहिए होगा, तो फोकस जो है वो अब रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर हो जाएगा एट द एक्सपेंस ऑफ कोर एंड फंडामेंटल एंगेजमेंट्स। तो इन तीन बेसिस पर जो है वो विरोध किया जा रहा है। यही तीन पॉइंट्स जो है अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग के बारे में पूछा जाता है एंड उसका क्रिटिसिज्म लिखना हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का नाम लगा करके ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, कि उनका ये कहना है। अब हम लोग थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग के बारे में देख लेते हैं ये क्या है। एक तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये स्कीम क्या है। दूसरा, जब भी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में लिखना हो या स्कीम्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन तो आप इस एक स्कीम को भी याद कर लीजिए, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये करना क्या चाहती है स्कीम, दिस स्कीम एम्स टू डेवलप 20 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस विच वुड पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल एजुकेशन मैप। इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट जो है वो 20 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहती है ताकि इंडिया का नाम भी जो ग्लोबल एजुकेशन
में फील्ड में आए। ठीक है, अब इन इंस्टीट्यूशंस को, जिनको 20 इंस्टीट्यूशंस को चुना जाएगा, उनका क्या एम होगा? दे विल ट्राई टू बी इन टॉप 500 ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग इन 10 इयर्स एंड इन टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग इवेंचुअली ओवर टाइम। ठीक है, तो आने वाले 10 सालों में उनका फोकस रहेगा कि वो टॉप 500 में आए एंड उसके बाद वो कोशिश करें कि टॉप 100 में कैसे आ सकते हैं। अब इस एक एम को अचीव करने के लिए जिन भी इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग मिल रहा है, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, अब ऑटोनॉमी कैसे दी जाएगी, किन किन क्षेत्र में दी जाएगी? तो पहला ही चीज है कि दे विल बी अलाउड टू एडमिट फॉरेन स्टूडेंट्स अप टू 30% ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट्स। तो 30% तक के फॉरनर स्टूडेंट्स ले सकते हैं, फैकल्टी 25% तक फॉरनर मंगाई जा सकती है। इसके अलावा इनको ये फ्रीडम रहेगी कि अपने जो इनके प्रोग्राम्स है उसमें से 20% प्रोग्राम्स ये ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप 500 में अभी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड इसके अलावा फीस जो है फॉरेन स्टूडेंट से कितनी भी फीस जो है वो वसूल सकते हैं। इसके अलावा इन इंस्टीट्यूशंस के पास फ्रीडम होगी कि दे कैन डिसाइड द नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स एंड ईयर्स टू टेक अ डिग्री एंड दे विल हैव द कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस एंड इनके मदद के लिए गवर्नमेंट जो है वो 1,000 करोड़ रुपए ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दिए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में इन इंस्टीट्यूट्स को 1,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये चीज यहां पर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस टैग के बारे में ध्यान रखना, ये पॉइंट्स तो हो गए। ठीक है, अब अगर इसी इन्हीं सारी चीजों से ऑटोनॉमी से ही हायर एजुकेशन को मतलब इंप्रूवमेंट मिल सकता है या अच्छा हो सकता है तो गवर्नमेंट को सभी इंस्टीट्यूट्स को ऐसा दे देना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप लोग हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात करें तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमी शुड बी प्रोवाइडेड टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग मतलब जो फार्मर्स अपने खेत को साफ करने के लिए नई फसल तैयार कर मतलब लगाने से पहले उसको वहां पर जो पुरानी फसल लगी हुई उसको जला करके साफ करते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज स्टबल बर्निंग। एंड इस न्यूज में ये चीज को हाईलाइट किया गया है कि पिछले साल की अगर तुलना में देखा जाए तो इस साल पंजाब में ज्यादा स्टबल बर्निंग हुई है। ठीक है, एंड स्टबल बर्निंग क्लोज टू द ऑटम सीजन एवरी ईयर हैज बीन अ की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ पोल्यूशन इन द एयर एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स अमंग पीपल अक्रॉस द नॉर्दर्न रीजन इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। एंड अब स्टबल बर्निंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके कारण माना जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर पॉल्यूशन इन दिल्ली। जो दिल्ली में अभी पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो स्टबल बर्निंग है। ठीक है, अब डिस्पाइट गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि फार्मर्स को अल्टरनेट दिया जाए, इसके बावजूद भी जो स्टबल बर्निंग है वो ज्यादा देखी गई है। ठीक है, ये चीज एंड फार्मर्स की क्या डिमांड है? फार्मर्स का ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम स्टबल बर्निंग ना करें तो ₹100 पर क्विंटल ऑन पैडी और पे ₹3,000 पर एकड़ एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो ₹3,000 पर एकड़ दिया जाए या फिर मतलब हर क्विंटल धान पे ₹100 और ऐड करके दिए जाए। तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब हम लोग सॉल्यूशंस देख लेते हैं स्टबल बर्निंग के, कि स्टबल बर्निंग कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो जनरली मतलब एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जाता है वो है कि गवर्नमेंट शुड एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। दूसरा है लेबर शॉर्टेज शुड बी एड्रेस, तो किसान इसलिए भी नहीं कटाता है, जलाना ज्यादा उचित समझता है क्योंकि लेबर नहीं मिलती है। ठीक है, अब लेबर नहीं मिलेगी तो उसको कॉस्ट ज्यादा होता है एंड इसलिए भी जो है उस कारण से भी स्टबल बर्निंग की जाती है। तीसरा जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो है हैप्पी सीडर्स एंड अदर सच टेक्नोलॉजीज लाइक सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, पैडी स्ट्रॉ चॉपर एंड मल्चर शुड बी अवेलेबल एट रेंट। तो 4 टेक्नोलॉजीज का नाम ध्यान रखिएगा, हैप्पी सीडर्स, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, पैडी स्ट्रॉ चॉपर एंड मल्चर। ठीक है, इसके अलावा जो पैडी स्ट्रॉ होता है वो क्योंकि फॉडर के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, उसको जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता है, तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि उसको बायोमास के रूप में यूज किया जा सकता है, सो गवर्नमेंट शुड डेवलप द फैसिलिटीज फॉर द बायोमास जनरेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ। इसके अलावा फार्मर्स को अवेयर करने की जरूरत है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्रॉप बर्निंग एंड कन्विंसिंग देम दैट प्रॉपर यूज ऑफ स्टबल विल इंक्रीज देयर इनकम टू। तो उनको यह भी समझाया जाना चाहिए कि स्टबल बर्निंग के जरिए उनके जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी खत्म होती है, वो खराब होती है एंड उस स्टबल का यूज करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के जरिए आप स्टबल बर्निंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर स्टबल बर्निंग के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 6।
यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू मायोस्ट एंड उड़ीसा में मायूस के कारण कुछ एक परिवार को जो है वो अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ा। इस न्यूज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब हम लोगों से मायोइज्म के बारे में या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में GS3 में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स में। तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं मायोइज्म को सॉल्व करने के क्या अल्टरनेटिव है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो वेज टू एंड नक्सलिज्म इन इंडिया, पहला है गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस जो है वो अच्छी की जाए। दूसरा है डायलॉग, उन लोगों के साथ बात की जाए, इसके अलावा ट्राइबल्स के साथ भी बात की जाए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड इज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वेजेस, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, इसके अलावा जो वेजेस दिए जाते हैं ट्राइबल एरियाज में उनको बढ़ाया जाए। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो जिन ट्राइबल्स की भी लैंड ली जा रही है या जिनको भी मतलब वहां से हटाया जा रहा है उनके जमीन से, उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट किया जाए, उनके रीसेटलमेंट के लिए प्रॉपर प्रोसीजर अपनाया जाए। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको रोका जाए। इसके बाद जो है वो आप एक और सजेशन दे सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है वीकर सेक्शंस का, चाहे वो ट्राइबल्स हों या फिर मतलब आदिवासीज हों, उनको उसको सही करने की जरूरत है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है उसको कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप जब भी नक्सलिज्म के बारे में लिखें एंड उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करें तो उसको दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एट द सेम टाइम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, क्योंकि नक्सलिज्म जो प्रॉब्लम है इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बोथ थिंग्स, इट इज अ सिक्योरिटी इशू ऑल्सो, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ डेवलपमेंटल इशू। तो दोनों सजेशन आपको देने, एक बार सजेशन फिर से देख लेते हैं, गुड गवर्नेंस, डायलॉग, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वेजेस, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्टॉप द पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, रिमूव डिस्पैरिटी, लेट ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, टेक स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स एंड मॉडर्नाइज द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इन सारे सॉल्यूशंस को सीधा का सीधा रट लेना है एंड जब भी आंसर लिखने को आए नक्सलिज्म के ऊपर तो आप इस चीज को लिख सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 8 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू गोदावरी रिवर एंड गोदावरी रिवर में अभी जो कुछ दिनों पहले 38 दिन पहले नाव डूब गई थी वहां से अभी 7 और लाशें जो है वो मिली हैं, ठीक है, तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में देख लेते हैं। इट इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हैविंग अ लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर। अब जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसको आप बेसिकली दो में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी को जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन कहां है गोदावरी का, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। किस स्टेट से फ्लो होती है ये, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गोदावरी की, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मांजरा। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इसके बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू टीपू सुल्तान एंड टीपू सुल्तान से रिलेटेड अब एक नई कॉन्ट्रोवर्सी आई है कि एक MLA है BJP के, उनका कहना है कि टीपू सुल्तान का नाम जो है वो इतिहास की किताबों से हटा दिया जाना चाहिए एंड आई थिंक शायद इन MLA का जोड़ देना चाहिए वहां पर नाम, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि टीपू सुल्तान का नाम जो है वो आप टेक्स्ट बुक से हटा दीजिए। एंड क्यों हटा दीजिए, बिकॉज ही वॉज अ फैनेटिक एंड ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स, इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं का फोर्सफुल कन्वर्जन किया, तो इन सारी चीजों की वजह से टीपू सुल्तान का नाम हटा देना चाहिए। वैसे मतलब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अगर टीपू सुल्तान ने थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ये सब किया तो भी उनके बारे में लिखा जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि क्या नहीं करना होता है एज अ रूलर, ठीक है। तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है टीपू सुल्तान के बारे में। हम लोग थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे एंड इन्होंने क्या किया। पहले हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, उसके बाद मेंस में अगर आपसे टीपू सुल्तान के बारे में पूछा जाए या उनके पॉजिटिव निगेटिव के बारे में लिखने के लिए आए तो आपसे पूछ सकता है। UPSC GS1 में हिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज मैंशन है तो वहां पर टीपू सुल्तान के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसका एनालिसिस करिए। तो आज आप अगर इसको पूरा अच्छे से सुनेंगे तो यू पीपल विल बी एबल टू हैंडल द एंटायर क्वेश्चन। तो टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। ही बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हैदर अली इन सेकंड एंग्लो मैसूर वार। तो कब बना ये रूलर मैसूर का, 1782 में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हैदर अली इन सेकंड एंग्लो मैसूर वार। अब इनका जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं अगर उनमें बात की जाए तो ही इंट्रोड्यूस द न्यू कैलेंडर, अ न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज एंड न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड
measures, ठीक है. इसके अलावा he showed a keen interest in the French Revolution. French Revolution में भी काफी interested थे इसके. And he planted a tree of liberty at Srirangpatnam and became a member of the Jacobin club. तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में जब ज्यादातर rulers जो है वो बहुत inward looking थे या बहुत inept थे, बहुत काबिल नहीं थे, उस दौर पे टीपू सुल्तान जो है वो French Revolution की बात कर रहे हैं and French के साथ अपना कांटेक्ट रख रहे हैं, ठीक है. हिज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वर एक्सीलेंट. इनकी जो इन्फेंट्री थी दैट वाज वेरी स्ट्रांग एंड इट वाज मार्क्ड आर्म्ड विद मस्केट्स एंड बैनर्स इन द यूरोपियन फैशन व्हिच वर मैन्युफैक्चर्ड इन मैसूर. इसके अलावा ही अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ मॉडर्न नेवी आफ्टर 1796 एंड इनको एहसास हो गया था इस चीज का कि अगर मतलब कंट्रोल करना है, वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करना है या फिर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आपको नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है. दैट शोज द फार साइटेडनेस. और किसी भी इंडियन रूलर में आप ये नहीं देखेंगे अराउंड द 1750s या अराउंड 1800 कि वो इस बारे में सोचें कि अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनना है. वन एक्सेप्शन इज महाराजा रंजीत सिंह. अदर देन दैट नो वन वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रांग, ठीक. तो इस एक चीज को जो है वो आपके यहां पर बिपिन चंद्रा में भी हाईलाइट किया गया है कि फॉर दिस पर्पज ही बिल्ट टू डॉकयार्ड्स ऑफ द मॉडल्स ऑफ द शिप्स वर सप्लाइड बाय द सुल्तान हिमसेल्फ, ठीक है. अब इसके अलावा इन्होंने जो बाकी यूरोपियन कंपनीज है चाहे वो फ्रेंच हो उनके साथ ट्रेडिंग पावर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की एंड फाइनली ही डाइड इन द ईयर 1799 इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. तो ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा टीपू सुल्तान ने एक बहुत फेमस ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर टीपू सुल्तान के बारे में. अब मेंस के हिसाब से अगर बात करें तो पॉजिटिव्स क्या लिख सकते हैं आप टीपू सुल्तान के. ही वाउच्ड फॉर द रेडिकल इकोनॉमिक चेंज, रेडिकल इकोनॉमिक चेंजेस की बात की है. इसके अलावा उन्होंने बड़ी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की. ही एंड ही हैज अ स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेसेस अगेंस्ट ब्रिटिश. तो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ रूलर्स जो बहुत सक्सेसफुल थे उनसे लड़े, उनमें से टीपू सुल्तान थे. इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, पर्टिकुलरली द रॉकेट वाज पिलेज्ड बाय द बेस्ट, ठीक है. इनका एक बोला जाता है कि इन्होंने अपना मतलब रॉकेट का डिजाइन किया था. इसके अलावा ही वॉज हैव शोइंग अ कीन इंटरेस्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश एन इंडियन ट्रेडिंग कंपनी ऑन द लाइन्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग थी एंड ये मतलब एक एक्सेप्शन माना जा सकता है अमंग द इंडियन रूलर्स कि जिस दौर में मतलब सोल्जर्स यूजली छोड़ करके चले जाते थे अपने महाराजा को या राजा को, उस दौर में टीपू की जो सेना थी वो उनके साथ आखिरी दम तक लड़ती रही. अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव आप लिख सकते हैं कि हिज जील फॉर कन्वर्जेंस. इसके अलावा दूसरा नेगेटिव है मैसेकर ऑफ पॉपुलेशंस. ही कंसीडर्ड हॉस्टाइल जो भी लोग इनको लगते थे कि अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या फिर मतलब राज्य के खिलाफ हैं, ही मैसेकर्ड देम. ये गलत बात थी. इसके अलावा तीसरी गलत बात आप लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पर्शियन एज द स्टेट लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ कन्नड़. तो कन्नड़ की जगह जो है वो पर्शियन लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज बनाना वो भी एक गलत स्टेप था, ठीक है. तो ये सारे चीज हम लोग ध्यान रखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर 9 एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ब्रह्मोस एंड इंडियन एयरफोर्स ने अभी सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया ब्रह्मोस का, उस चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया. अब ब्रह्मोस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. ब्रह्मोस इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया. इंडिया एंड रशिया के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है एंड इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर ब्रह्मपुत्र रिवर इन द इंडिया एंड मॉस्कोवा रिवर इन रशिया, ठीक है. तो ब्रह्मोस, ठीक. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर ब्रह्मोस के बारे में. इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, सी, सबसी एंड एयर अगेंस्ट सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट, ठीक है. तो इसको आप लैंड, सी, सबसी, एयर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं. एंड ब्रह्मोस इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड. ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस जो है वो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है दुनिया भर में, ठीक. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर ब्रह्मोस के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू रिवर गंगा एंड गंगा में फ्लो बना रहे उसके लिए अभी एक 2018 में ई फ्लो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि बोला गया था कि द स्ट्रेचेस ऑफ द गंगा वुड हैव टू मेंटेन 20% ऑफ द मंथली एवरेज फ्लो ऑफ द प्रोसीडिंग 10 डेज बिटवीन नवंबर एंड मार्च विच इज द ड्राई सीजन and 25% of the average during the lean season of October, April and May and 30% of the monthly average during the monsoon months of June to September. तो ये एक notification issue किया था जो हमारी water ministry है उन्होंने कि गंगा में flow बना रहे उसके लिए जो upper stretches है वहां पर minimum 20% का flow रहेगा between November and March
25% of the average during the lean season of October, April and May and 30% of the monthly average during the monsoon months of June and September. अब इससे एक चीज को अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है वो उन्होंने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है. उनका कहना है कि इसके कारण हमको बहुत नुकसान होगा. ठीक है, अब फ्लो बनाए रखने के लिए आपको पानी रिलीज करना पड़ेगा. अगर आप ज्यादा पानी रिलीज करेंगे तो जो हाइड्रो पावर है उसके जनरेशन में असर पड़ेगा. तो इसलिए जो है ये लोग मिनिस्ट्री को, वाटर मिनिस्ट्री को कोर्ट में, वाटर मिनिस्ट्री के खिलाफ कोर्ट में केस किया है. यहां पर एक बॉडी मेंशनड है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. इट इज अ बॉडी रजिस्टर्ड एज सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. अब इसका जो बेसिक काम है, इट एक्टेड एज इंप्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द नेशनल गंगा रिवर्वेशन अथॉरिटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, नेशनल मिशन फॉर जो क्लीन गंगा है, इसके जो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो दो टायर हैं. पहला है गवर्निंग काउंसिल, दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमिटी. एग्जीक्यूटिव कमिटी को एक पावर दी गई है कि 1000 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं गंगा के ऊपर, इनको वो अप्रूवल कर सकते हैं. एंड 1000 करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन अप्रूव करेगा? वो अप्रूव करेगा गवर्निंग काउंसिल. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड गंगा के फ्लो को बनाए रखने के लिए जो एक नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 10 पे हमारा एडिटोरियल का पेज है. जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो है क्राइम इन इंडिया. ठीक है, अभी जो रिपोर्ट रिलीज की है एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, उसके रिलेटेड ये न्यूज यहां पर मेंशन किया गया है. अब क्राइम इन इंडिया जो रिपोर्ट है ये 2 साल के लेट के बाद आया है, डिले के बाद आया है. 2017 की रिपोर्ट अभी आ रही है एंड गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि बिहार और वेस्ट बंगाल से डेटा नहीं आ रहा है, इस कारण से जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा यहां पर कुछ एक फैक्ट्स को हाईलाइट किया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वुमेन कंट्री वाइड इंक्रीज्ड बाय 6% सिंस 2016 व्हाइल दोस अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट वेंट अप बाय 13%. ठीक है, तो जो कंट्री वाइड महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसमें 6% की ग्रोथ आई है, जो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराध है उसमें 13% की ग्रोथ देखी गई है. इसके अलावा जो है वो बात की जाए, एंड इससे क्यों बोला जा रहा है कि मतलब इंक्रीज जो है वो क्यों देखा जा रहा है, उसका एक कारण है कि रिपोर्टिंग जो है वो बेहतर हुई है. तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया. अब कमी ये बताई गई है कि जो सेंसेस है, मतलब बाकी राज्यों के लिए 2001 के सेंसेस के हिसाब से डेटा रिलीज किया गया है एंड जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके लिए 2011 सेंसेस के बेसिस पर डेटा को रिलीज किया गया. इसके कारण क्या होता है कि कंपैरिजन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस सिटी का या किस स्टेट का जो मतलब क्राइम कंट्रोल करने में रिकॉर्ड है वो अच्छा है एंड किस स्टेट में बुरा है. ठीक, तो इसी एक सारी चीजों को यहां पर हाईलाइट किया गया है. नाउ कम टू द लीड आर्टिकल एंड आज का हमारा जो लीड आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके जरिए जो है आपको चाइना इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो समझने में मदद मिलेगी. ठीक है, तो यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट को डिस्कस किया गया है. एंड क्यों डिस्कस किया गया है? क्योंकि अभी जो सेकेंड इनफॉर्मल सबमिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच, तो वहां पर इस चीज के बारे में बोला गया था कि दोनों देश जो है वो शांति से अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है कि हिस्ट्री क्या है इस डिस्प्यूट की एंड इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो अब सबसे पहले यहां पर जो है ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है वो ब्रिटिश लेगेसी के कारण है. अब यहां पर एक चीज को समझ लीजिए कि इंडिया चाइना जो बाउंड्री है इसको आप 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर एंड मिडिल सेक्टर. मिडिल सेक्टर जो है वो हमारा रिलेटिवली शांत है, वहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं ज्यादा, लेकिन जो ईस्टर्न सेक्टर है एंड वेस्टर्न सेक्टर है वहां पर डिस्प्यूट है. अब ये डिस्प्यूट की शुरुआत जो है वो ब्रिटिश टाइम में होती है 1914 में, जब सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, चाइना एंड तिब्बत. ठीक है, अब वहां पर जो बाउंड्री तय हुई वो चाइना मानने से इनकार करता है. चाइना का कहना यह है कि उस टाइम हम कमजोर थे एंड वी कुड नॉट नेगोशिएट ऑन अवर ओन स्ट्रेंथ, इसलिए इस डील को जो है वो नहीं माना चाहिए. अब इसका नतीजा ये हुआ कि 1947 में जब हम आजाद हुए तो जो वेस्टर्न साइड है हमारा काराकोरम पास के पास है, बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ईस्ट ऑफ दिस पास वॉज एक्सप्रेस्ड एज बाउंड्री अनडिफाइंड, तो उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सका. लेकिन जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर जो मैकमोहन लाइन थी जो 1914 में साइन हुई थी उसको डिफैक्टो बॉर्डर जो है वो माना गया. तो ये स्थिति हुई 1947 में. इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आते हैं 1954 to 56. यहां पर जो दोनों देश के लीडरशिप थी, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हों या फिर जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे जाओ एनलाई,
उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, जिन मुद्दों में विवाद है, उनको अभी नहीं डील किया जाए, एंड इंडिया एंड चाइना जो है वो आपस में कॉपरेट करें, एंड फिर जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको जो है वो बाद में निपटा लिया जाएगा, ठीक है। एंड जाओ एल लाई जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1956 में ये चीज बोली कि मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को डिफाइन करती है अभी, दैट इज एन एकम्प्लिस्ड फैक्ट, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, एंड जो माइनर बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। अब 1957 में इंडिया ने बोला कि आइए हम बैठ करके माइनर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो तिब्बत में क्राइसिस आई, उसके बाद ये जो है इशू सॉल्व नहीं हो पाया। 1959 में जब दलाई लामा चाइना से भागे एंड इंडिया ने उनको शरण दे दी, एंड उसके बाद जो है वो सारे की सारी सिचुएशन बदल गई, एंड देन वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया। इसके अलावा 1960 में जो है वो जाओ इन लाई ने जब दिल्ली आए थे चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप ईस्टर्न साइड जो है वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए एंड वेस्टर्न साइड जो है वो हमको दे दिया जाए, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड के बदले में ईस्टर्न साइड जो है वो इंडिया चाइना सेटल कर सकते हैं। अब ये लास्ट मौका था जब इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता था, लेकिन जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये कहना था कि इस तरह का ट्रेड ऑफ नहीं चल सकता कि आप ईस्टर्न साइड हम रख लीजिए एंड वेस्टर्न साइड पूरा का पूरा कंट्रोल छोड़ दीजिए। जब नहीं छोड़ा, बात नहीं बनी, तो 1962 में वॉर हुआ, एंड उसके बाद जो है वो बाउंड्री डिस्प्यूट पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया। अब ऑथर का कहना ये है कि वो जो है नेहरू के पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि आप बाउंड्री डिस्प्यूट को प्रॉपरली सेटल कर सकते थे। अब इसके बाद जो है वो एक नई उम्मीद 2005 में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन, उससे एक उम्मीद जगती है कि इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। 2005 के एग्रीमेंट में ये बोला गया था बेसिकली कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, उनके हिसाब से डिमार्केशन होगा, एंड दूसरी चीज ये बोली गई थी कि जो अभी सेटल्ड पॉपुलेशन हैं उसको कंसीडर करते हुए जो है वो बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। तो इसी सारी चीजों को इस एक आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड ये जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन पावर ऑफ द स्टेट्स, एंड इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के फॉर्मुलेशन के बाद जो जीएसटी काउंसिल बना, एंड उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसके कारण स्टेट्स की जो टैक्सेशन पावर है उसको कम किया जा रहा है, ठीक है। अब क्यों कम किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो पावर है वो सब जीएसटी काउंसिल के पास है। कितना टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा वो डिसाइड करने की पावर किसके पास है, जीएसटी काउंसिल के पास। अब जीएसटी काउंसिल में सेंटर की ज्यादा चलती है, ज्यादा क्यों चलती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में अगर आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आपको 3/4 मेजोरिटी की जरूरत होती है, डेट इज 75% आपको वोट चाहिए, ठीक है। अब सेंटर के पास वहां पर कितना वोटिंग पावर दिया गया है, 1/3 वोटिंग पावर दिया गया है, ठीक है। 1/3 का मतलब यह है कि अगर सेंटर चाहे तो वो किसी भी चीज के ऊपर रोक लगा सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास 33% की पावर आ जाएगी। तो इसलिए जो है जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स की ज्यादा नहीं चलती है, एंड मान लीजिए किसी स्टेट को अपनी कोई पॉलिसी लेकर के आनी है, वेलफेयर पॉलिसी लेकर के आनी है, ठीक है, तो उसके लिए अब वो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है ऑथर ने कि जब तमिलनाडु में एमजी रामाचंद्रन को मिड डे मील स्कीम लेकर के आना था, तो उन्होंने उनको 150 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अब वो 150 करोड़ रुपए के लिए अगर आज का टाइम होता तो वो सेंटर की तरफ देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेल्स टैक्स की जो पावर थी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास उसको यूटिलाइज किया एंड उसके जरिए रेवेन्यू जनरेट कर लिया। लेकिन अब आज के टाइम पे जीएसटी आने के बाद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं कर सकती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ऑथर ने हाईलाइट की है कि स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो मतलब इनकम टैक्स लगा सकें, सिर्फ एग्रीकल्चर के मामले में लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू होता है, तो ज्यादातर स्टेट्स एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाते हैं, बाकी मामलों में उनके पास पावर नहीं है, तो इस कारण से भी जो स्टेट्स के रेवेन्यू है वो कम हो रहे हैं। तीसरा जो उन्होंने बोला कि अभी सेंटर जो है वो बात कर रहा है कि एक एक्सपेंडिचर काउंसिल बनाई जाएगी, तो उस पर डिसाइड किया जाएगा कि किस फील्ड में हमको कितना एक्सपेंडिचर करना है, वहां पर भी जो किसकी चलेगी, सेंटर की चलेगी, तो इस कारण से फिर उन स्टेट्स की पावर के ऊपर कर्ब होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी एक परमानेंट एक्सपेंडिचर फंड बनाने की बात कर रही है फॉर डिफेंस स्पेंडिंग, परमानेंट एक्सपेंडिचर फंड फॉर डिफेंस स्पेंडिंग। वहां पर क्या किया जाएगा कि स्टेट से भी पैसा कुछ हिस्सा पहले से ही उसमें रखा जाएगा, इसका यूज जो है वो सिर्फ डिफेंस पर्पजेस के लिए किया जाएगा। ऑथर का कहना यह है कि पहले से ही जो जितने टैक्स कलेक्ट होते हैं उसमें से 52% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, उसी में से वो कुछ पैसा यूज करके परमानेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर में रखे, ना कि स्टेट्स के पैसे को यूज करके उसमें रखा जाए। तो बेसिकली ये बोला गया है कि स्टेट्स को जो है वो टैक्सेशन की पावर ज्यादा होनी चाहिए
एंड उनके जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं उनको स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसमें स्टेट्स जो है वो सिर्फ ग्लोरिफाइड म्युनिसिपैलिटीज बन करके रह जाएंगे कि उनको मतलब दिखावे के लिए मुख्यमंत्री होगा, दिखावे के लिए गवर्नर होगा, पर पावर कुछ नहीं होगी। जब क्योंकि पैसा, फाइनेंस इज द ब्लड और लाइफ ब्लड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बिना आप कर ही क्या सकते हैं। तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट्स की टैक्सेशन पावर को किस हिसाब से कम किया जा रहा है, तो आप उसमें तीन एग्जांपल दे सकते हैं। जीएसटी काउंसिल का एग्जांपल दे सकते हैं, परमानेंट एक्सपेंडिचर फंड का एग्जांपल दे सकते हैं, एंड एक्सपेंडिचर काउंसिल का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इस एक आर्टिकल से। नाउ कम टू द सेकंड एडिटोरियल, एंड सेकंड एडिटोरियल जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, एंड इंडिया ने जो जीत लिया है उसके बाद जो हमारी डोमिनेंस दिखती है उसको जो है वो इस एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड ऑपेड पेज पे जो हमारी सबसे पहली आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू एस्केपिंग द हनी ट्रैप। ठीक है, हनी ट्रैप का मतलब होता है मतलब लड़का या लड़कियों का यूज करके जो इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है उसको जो है वो हनी ट्रैप बोला जाता है, ठीक है, आसान भाषा में। एंड ये इशू क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि जून 2019 में जो है वो एक पाकिस्तानी स्पाई गोइंग बाय द फेसबुक नेम सेजल कपूर हैड हैक्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम्स ऑफ मोर देन 98 पर्सनल ऑफ वेरियस डिफेंस फोर्सेस इंक्लूडिंग द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स बिटवीन 2015 एंड 18। तो 2015-18 के बीच में एक पाकिस्तानी जासूस जो कि फेसबुक में उसका नाम सेजल कपूर था, उन्होंने जो है वो बहुत सारे मतलब स्पाइज के तौर पर कंप्यूटर्स के अंदर अपना हैकिंग किया, एंड उसके बाद जो बहुत सारा जो हमारा सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। इसके अलावा जो है वो अभी एक पर्सन को भी, ब्रह्मोस मिसाइल के जो इंजीनियर थे उनको भी इस एक चीज़ में अरेस्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसी एक चीज़ को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले ऑथर ने यह समझाया कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर जो है इट इज़ अ शॉर्ट फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर, एंड इसके जरिए जो है वो किसी के कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस को गेन करने की कोशिश की जाती है, एंड रैनसमवेयर इज अ काइंड ऑफ मैलवेयर। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, मतलब कैसे इनके काम चलता है। तो सबसे पहले जैसे कोई सोल्जर की प्रोफाइल है या किसी को पता है कि ये सेना के अंदर है तो उसको जय हिंद लिख करके भेजेंगे, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि डेट यू आर सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ फॉर अस, इसके जरिए मैसेजिंग की शुरुआत होती है। एंड धीरे धीरे जो है वो व्हाट्सएप नंबर लेना, फिर इंटीमेट मैसेजेस करना, एंड जब वो हो जाता है तो उसके बाद ब्लैकमेल करके इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा ऑथर ने यहां पर हाईलाइट किया है कि हनी ट्रैप्स की अपनी एक हिस्ट्री रही है। वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो वहां पर सूचना जो है वो अपने आप में एक करेंसी है। ठीक है, एंड सेक्स और द प्रॉमिस ऑफ इट हैज ऑलवेज बीन एन एनिग्मेटिक सब्जेक्ट। वर्ल्ड वाइड जो है वो चाहे MI5 हो या फिर जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हो, दे हैड दिस सिस्टम की जहां पर हनी ट्रैपिंग जो है वो सिखाई जाती थी। इसके अलावा सोवियत यूनियन में भी कुछ ऐसा मतलब क्लासेस लगाई जाती थी टू यूज टू ट्रेन द ऑफिसर्स इन द आर्ट ऑफ हनी ट्रैपिंग। इसी एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब ये बताया गया ऑथर ने कि इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए, हनी ट्रैपिंग को रोकने के लिए। तो आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने सोशल मीडिया यूजेस को रोकने के लिए कुछ मतलब इंतजाम किए हैं। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स हाईलाइट किए गए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा ट्विटर हैंडल्स जो सस्पेक्टेड हैं या फिर फेसबुक अकाउंट्स जिनको मतलब आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जिसके जरिए स्पाइंग की जा सकती है। अब इंडिया इसके अलावा क्या कर सकता है ऑथर के हिसाब से कि जैसे कि FBI runs fake child pornographic websites to catch offenders of the same crime, तो ये एक चीज की जा सकती है। दूसरा जो है वो ऑथर ने ये बोला है कि develop better protocols in the event of contamination। तीसरा सजेशन ये है कि developing a methodology to embed dormant malware in all sensitive data and devices which will be able to track the bad actors and destroy the documents with a programmed kill switch। ठीक है, तो आप पहले से ही अपने यहाँ एक malware install करके रखिए, and अगर कोई आपके system का hack करने की कोशिश करता है तो वो उसको ट्रैक कर सके। इसके अलावा develop a doctrine to hit back, ये चीज develop करने की जरूरत है। ये सारे suggestions दिए हैं author ने। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड आज का जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू डिसरप्शंस कॉज्ड बाय द पॉलिसीज, एंड यहां पर बेसिकली जो है वो ये बताया गया है इस एक आर्टिकल में कि जो अभी स्लोडाउन देखा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, जैसे कुछ सेक्टर्स में चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या थर्मल सेक्टर हो, वो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं एंड नए इनोवेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। अब ऑटोमोबाइल में स्लोडाउन का ऑथर के अकॉर्डिंग क्या रीजन है, ऑटोमोबाइल में स्लोडाउन इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज्यादा यूज कर रहे हैं, दूसरा ये है कि जो कार खरीदना है वो महंगा हो गया है, इतने सारे मतलब
फॉर्मेलिटीज होते हैं उस कारण से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो स्लो डाउन देखा जा रहा है। अब इसके अलावा अगर बात करें हम लोग थर्मल सेक्टर में, तो इंडिया जो है अब फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो अगर कोल के प्रोडक्शन में कमी आ रही है या फिर थर्मल पावर प्लांट्स के प्रोडक्शन में कमी आ रही है, तो ऑथर का कहना यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि स्लो डाउन आ गया है, रेदर इट मीन्स कि जो आप टेक्नोलॉजी जो है वो बदल गई है, अब सेक्टर्स जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं, तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड यहां पर जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशंस, एंड ऑथर का ही बेसिकली यहां पर यह कहना है कि इंडिया को मतलब टर्की के साथ जो रिलेशन है उसको नहीं खराब करना चाहिए, एंड हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार बना करके रखें। अब ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो टर्की का विजिट था उसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है। ऑफिशियल बात चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन टर्की का जो स्टैंड था कश्मीर के ऊपर उसको उन्होंने उसको देखते हुए उसको विजिट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। अब ऑथर का कहना यह है कि अगर एक तो हमको मतलब ऐतिहासिक रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, हिस्टोरिकली टर्की हैज ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान, एक तो ये फैक्टर है। दूसरी चीज ये कि टर्की, इसराइल एंड ईरान, दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द वेस्टर्न एशियन रीजन, या फिर अरब पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला जो है वहां पर तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, टर्की, इसराइल एंड ईरान। अब अगर हम इनके साथ, ईरान के साथ पहले ही हम अमेरिका के दबाव में तेल नहीं ले रहे हैं तो वो रिलेशंस खराब है, टर्की के साथ हम पाकिस्तान के कारण अपने रिलेशन जो है वो खराब कर लेंगे, ठीक है, तो इसलिए फिर हमारे पास सिर्फ इसराइल बचेगा। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको साइड में रखते हुए भी हम जो देश है बाकी उनके साथ जो नॉर्मल रिलेशन हैं उनको बनाए रखें, तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एनएससी एंड आईएम, एंड नागालैंड के जो अभी गवर्नर हैं आर एन रवि, उन्होंने बोला है कि जो भी ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं या आलोचना कर रहे हैं उनका उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एनएससी एंड आईएम के बारे में देख लेते हैं, जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डील साइन करने की बात कर रही है। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स फाइटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट नागा होमलैंड, तो ये जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स किसके लिए लड़ रहे हैं, फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड। अब इसको फाउंड किसने किया था, लेट इसाक चीसीसू एंड थुइंगलांग मुवैया, ये इसके फाउंडर्स थे, एंड इनकी जो डिमांड है वो ये है कि जो नागा इनहेबिटेड रीजन है नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, एंड इवन अ पोर्शन ऑफ द बर्मा, इसको मिला करके एक सेपरेट नागालैंड या नागालिम स्टेट जो है वो बनाया जाए। तो ये इनकी बेसिक डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके साथ पीस अकॉर्ड साइन करने की कोशिश कर रही है कि मतलब कैसे इनको सॉल्व किया जाए। इसके अलावा नागालैंड के गवर्नर ने ये बोला है, जो कि उनके साथ डील भी कर रहे हैं, एनएससी एंड आईएम के साथ इंटरलोकेटर भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर इस चीज को हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ब्रेक्जिट, एंड ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला है उसको ब्रेक्जिट बोला जाता है। इसको लेकर के रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था 2016 में, 23rd of June 2016 को, इसके बाद डिसाइड किया गया था कि बाय 2019 ब्रिटेन विल लीव द यूरोपियन यूनियन। अभी जो है इसको लेकर के डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है, एंड पहले जो बोला जा रहा था कि 31st October तक ब्रिटेन छोड़ देगा, अब हो सकता है कि इसको जो है वो और एक्सटेंड करना पड़ जाए। इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। कनाडा में जो पावर शिफ्ट हुआ है, जो जस्टिन ट्रूडो अभी प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने पेज नंबर 1 पे ही डिस्कस कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सीरिया, एंड टर्की एंड रशिया ने जो है वो एक डील साइन की है सीरिया के ऊपर की जो 30 किलोमीटर बॉर्डर रीजन है जहां से कुर्दिश लोगों को हटाया गया है या कुर्दिश लोगों को वहां से हटना पड़ा, तो उसको जो वहां की जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होगी वो टर्की एंड रशिया साथ में करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज यहां पर हाईलाइट की गई है, हम लोग ध्यान रखेंगे। टर्की ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था सीरिया के लिए वो क्या था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पीस स्प्रिंग, तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 18, दैट इज बिजनेस पेज, एंड बिजनेस पेज पे जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इन्फोसिस। इन्फोसिस ने जो उनके सीईओ के खिलाफ आरोप लगे थे, विसिल ब्लोअर ने बताया था कि बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की गई हैं, तो उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो जांच शुरू कर दी है, एंड जो शेयर्स हैं उनके वो ऑब्वियसली गिरे हैं, ठीक। इसके अलावा यहां पर एक और न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड IRDAI ने जो है वो 1.01 करोड़ का फाइन लगाया है
तो इसको लेकर के इस न्यूज में हाईलाइट किया गया है। हम लोग थोड़ा सा IRDAI के बारे में देख लेते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। इट इज एन ऑटोनॉमस स्टेटरी बॉडी टास्क्ड विद रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, कैसी बॉडी है? स्टेटरी बॉडी है। इसका काम क्या है? इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में उसको रेगुलेट करना। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन सा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन तेलंगाना। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग IRDAI के बारे में। नाउ कम टू द लास्ट पेज, एंड लास्ट पेज पे जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ओजोन होल। एंड जो नासा के अकॉर्डिंग द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व्ड सिंस 1982 ड्यू टू एबनॉर्मली वार्म टेम्परेचर्स इन द अपर एटमॉस्फियर दैट ड्रामेटिकली लिमिटेड ओजोन डिप्लीशन इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर दिस ईयर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग यहां से, एक फैक्ट कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है एटमॉस्फियर का तो उसके कारण जो ओजोन डिप्लीशन है वो कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ओजोन डिप्लीशन। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ओजोन डिप्लीशन जो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि वार्म टेम्परेचर्स के कारण अपर एटमॉस्फियर में ओजोन डिप्लीशन जो है वो कम हुआ है। तो इस चीज को नासा ने हाईलाइट किया है। नाउ कम टू द लास्ट न्यूज, एंड यहां पर एक वनडे टाइप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है जो पूछी जा सकती है कि मतलब धोनी इज द रिस्कीएस्ट सेलिब्रिटी टू सर्च ऑनलाइन, एंड इसके जरिए जो है वो ज्यादातर जो मेलवेयर्स होते हैं या वायरसेस होते हैं वो अगर आप धोनी का नाम सर्च करेंगे तो वहां पर ज्यादा इंस्टॉल किए गए। ठीक है, तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नाउ ये था आज का न्यूज डिस्कशन। अब आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर कर दिए जाएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ द अबव, थ्री सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन सिक्स मंथ्स बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट समन्स द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज नॉट द स्पीकर दैट समन्स द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है डी, बोथ द स्टेट सी सॉरी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। मनरेगा वॉज द फर्स्ट लॉ टू मैंडेट सोशल ऑडिट एज अ स्टेटरी रिक्वायरमेंट, एंड इन 2017 मेघालय बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास एंड रोल आउट अ सोशल ऑडिट लॉ टू कवर ऑल डिपार्टमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सियाचिन, ऑपरेशन मेघदूत इज एसोसिएटेड विथ सियाचिन। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।